नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल दुनिया सपनों की। और दोस्तों, सपनों की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक जो है वो है, यदि आप सपने में खुद को लिखते हुए देखते हैं या किसी और को भी लिखते हुए देखते हैं तो ये सपना आपको क्या संकेत देता है। यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आपको सही और पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों जानते हैं, यदि आप सपने में खुद को लिखते हुए देखते हैं सफ़ेद कागज़ पे तो इसका क्या अर्थ होता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में खुद को कोरे कागज़ पे साफ पेज पे लिखते हुए देखते हैं तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको आपके जीवन में सफलताएं हासिल होंगी और आप अपने जीवन में उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप सपने में खुद को कुछ ऐसा लिखते हुए देख रहे हैं जो आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं या फिर कोई नंबर्स जोड़ते हुए देखते हैं, ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ये सपना आपको आने वाले समय में कुछ परेशानियों की ओर इशारा करता है और साथ ही कर्ज बढ़ने की ओर भी संकेत करता है। लेकिन दोस्तों, इस सपने को यदि हम साइकोलॉजिकल तौर पे देखते हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पे देखते हैं तो इस सपने का अर्थ है कि आप अपने अंदर की भावनाएं दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं या फिर आपको अपने अंदर की कला को पहचानने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ऐसा सपना आता है आपको। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।